हेलो फ्रेंड, आज मैं देखाऊंगा टीवी का और एक न्यू फॉल्ट रिपेयर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा क्या फॉल्ट हुआ है। ये ओनिडा कंपनी का न्यू मॉडल अल्ट्रा स्लिम टीवी है और आप सबको पता है इस टीवी का सर्किट डायग्राम थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल टीवी से, और इसलिए इस टीवी का प्रॉब्लम रिपेयर करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। तो चलिए टीवी का पावर ऑन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है टीवी में। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं टीवी का पावर ऑन हो गया और किस तरह प्रॉब्लम हुआ है कैसा। तो फ्रेंड, ये जो प्रॉब्लम है ऐसा प्रॉब्लम वर्टिकल सेक्शन से ही होता है। तो फ्रेंड, इसलिए इस प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले हमें वर्टिकल सेक्शन में चेक करना होगा। तो चलिए पहले वर्टिकल सेक्शन में चेक करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है टीवी में। तो फ्रेंड, टीवी सर्किट बोर्ड को थोड़ा सा उल्टा करना होगा जो कि हमें चेक करना आसान होगा, इसलिए। तो आप देख सकते हैं यह है वर्टिकल सेक्शन का आईसी है और इसको सप्लाई मिलता है यहाँ से एसएमपी ट्रांसफार्मर से यहाँ से। और वर्टिकल सेक्शन में सप्लाई ज़रूरत है 24 वोल्टेज से लेकर 30 वोल्टेज तक। तो फ्रेंड, इस प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले चेक करना ज़रूरत है वर्टिकल सेक्शन का सप्लाई वोल्टेज, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज नहीं मिलेगा तो बोर सेक्शन काम कैसे करेगा। तो इसीलिए यहाँ का ऑल सप्लाई वोल्टेज चेक करके देखना होगा। तो चलिए देखते हैं, पहले एसएमपी ट्रांसफार्मर का ऑल आउटपुट सप्लाई वोल्टेज चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि यही एसएमपी ट्रांसफार्मर से ही ऑल सेक्शन को सप्लाई मिलता है। इसीलिए 102 वोल्ट सप्लाई हमारा एसटी का सप्लाई है, ओके है। और यहाँ पे हमारा साउंड सेक्शन का सप्लाई वोल्टेज है और ये 15 वोल्टेज वो साउंड सेक्शन के लिए भी ओके है। अब हमें देखना होगा वर्टिकल सेक्शन का सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं वर्टिकल सेक्शन का सप्लाई वोल्टेज हमें यहाँ पे चेक करना होगा। ये है वर्टिकल सेक्शन का आईसी है, वर्टिकल आउटपुट आईसी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 वोल्टेज हमें मिल रहा है, लेकिन बहुत ही कम है। तो फिर वर्टिकल सेक्शन का सप्लाई वोल्टेज चेक करने से पहले एक बात ध्यान रखना होगा, जो कि वर्टिकल सेक्शन का सप्लाई देने के लिए यहाँ पे दो डायोड यूज होता है। ज़्यादातर अल्ट्रा स्लिम टीवी में ऐसा होता है, जैसा पॉजिटिव सप्लाई के लिए एक डायोड और नेगेटिव सप्लाई के लिए और एक डायोड यूज होता है। और इसीलिए वर्टिकल सेक्शन का वोल्टेज ठीक से चेक करने के लिए जो नेगेटिव सप्लाई इन होता है वर्टिकल आईसी में, उस पॉइंट पर मीटर का ब्लैक बोर्ड रखकर वोल्टेज चेक करना होगा। और आप देख सकते हैं ये जो डायोड है पहला वाला, इस डायोड से हम नेगेटिव सप्लाई मिलता है वर्टिकल सेक्शन को और इस डायोड से पॉजिटिव सप्लाई मिलता है वर्टिकल आईसी को। तो नेगेटिव सप्लाई का डायोड ख़राब होने से ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है। तो चलिए ये जो डायोड है इसको ऐसे निकाल कर चेक करके देखते ये अच्छा है क्या खराब है। तो फिर वर्टिकल सेक्शन में वोल्टेज चेक करने से जो हमें पता चला, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा है 140 वोल्टेज, और इसका मतलब समझना होगा पॉजिटिव सप्लाई देने वाला डायोड ओके है और नेगेटिव सप्लाई का डायोड ख़राब होने से ज़्यादातर वोल्टेज ऐसा कम होता है और वर्टिकल प्रॉब्लम आता है। इसीलिए तो हमें इसलिए पहले नेगेटिव सप्लाई का डायोड यहाँ पे निकाल कर चेक करना होगा, चेक करके देखना होगा। और यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देने वाला डायोड ख़राब होने से यहाँ पे कोई भी सप्लाई वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो हमें इससे पता चलता है कि नेगेटिव सप्लाई देने वाला डायोड ख़राब होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस डायोड को मीटर से चेक करने से पता चला बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, जैसा ओपन प्रॉब्लम ओपन हो गया। ऐसे टास्क करने से कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है, मीटर से कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये डायोड ओपन है। तो इसको चेंज करके देखना होगा पहले। तो फिर नया डायोड यहाँ पे लगा कर देखूँगा क्या सप्लाई वोल्टेज ठीक हो रहा है क्या नहीं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 30 वोल्टेज मिल रहा है पार्टिकल सेक्शन में, तो इसका मतलब यहाँ का सप्लाई वोल्टेज ठीक हो गया। और नेगेटिव सप्लाई हम यहाँ से लेंगे तो आप देख सकते हैं पार्टिकल सप्लाई वोल्टेज कम दिखा रहा है 15 वोल्टेज के आसपास। और मीटर का ब्लैक बोर्ड नेगेटिव सप्लाई पॉइंट से लेने से यहाँ पे ठीक ठाक वोल्टेज हमें दिखा रहा है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक हो गया इसका मतलब। तो आप देख सकते हैं टीवी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो में हर तरह लाता रहता हूँ।